और एक फिजिक एथलीट हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि डाइटिंग और फास्टिंग क्या होती है, डाइटिंग फास्टिंग में डिफरेंस क्या है, और डाइटिंग सही तरीके से कैसे करी जाए, और डाइटिंग अगर आप एक्सट्रीम करते हैं या गलत तरीके से फॉलो करते हैं तो उसके क्या नुकसान होते हैं। डाइटिंग का मतलब होता है कि आप जो फूड इंटेक ले रहे हैं, हर 2-3 घंटे में आपको फूड को कंज्यूम करना है, आपके 6-7 मील्स हैं आपके बने हुए हर 2-3 घंटे में, और जिसमें आप अपने वेट को इंक्रीज करने के लिए, वेट को डिक्रीज करने के लिए और वेट को मेंटेन रखने के लिए आप एक डाइट फॉलो कर रहे हैं। अब ये डाइटिंग की डेफिनेशन होती है। अब इस दौरान डाइटिंग बहुत यूजफुल होती है अगर आप प्रिवेंट कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो ओबेसिटी और डायबिटीज। अब मैं बताता हूँ वेट लॉस में आप अपनी डाइटिंग को कैसे इंक्लूड कर सकते हो। जो आप डाइट ले रहे हो, आपको अपनी कैलोरी इंटेक जो है उसको डिक्रीज करके 50% रिड्यूस कर देना हर मील में, तो आप उससे आपका वेट लॉस होगा। और 40% 50% हर मील में आपको कार्बोहाइड्रेट्स को इंक्रीज करना, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करने से क्या होगा, आपका वेट बढ़ेगा, वेट गेन होगा। और जो आप अब जो आपकी हर मील आप ले रहे हो जिसमें आपका मील ऑन टाइम है और आप बैलेंस मील में हम 4-6 मील्स आप कंज्यूम कर रहे हैं पर डे में, तो आपका आप अपना वेट जो है उसे मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। ये डाइटिंग की डेफिनेशन है। डाइटिंग कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ डाइट। तो पहली डाइट है लो फैट डाइट। अब इसमें क्या करना है कि आपको अपनी बॉडी में से जितने भी फैट्स हैं जो अनहेल्दी और अनवांटेड फैट्स है उसे आप एलिमिनेट कर देना है। जैसे ऑयल हो गया, ट्रांस फैटी एसिड्स हो गए हैं, वो आपको अवॉइड कर देना है। जैसे बाहर का तला गला खाना हो गया है उसे अवॉइड कर देना है। लेकिन आप इस डाइट को बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते हैं, 10-12 दिन तक फॉलो कर सकते हैं, मे बी 14 डेज तक भी आप फॉलो कर सकते हैं इसे। और क्योंकि आपकी बॉडी को जो नीड होती है फैट्स की नीड होती है, आपके जॉइंट्स को फैट्स की नीड होती है, कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल बनता है उसके लिए आपको हेल्दी फैट्स कंज्यूम करना जरूरी है। आप लो फैट डाइट को कम टाइम के लिए फॉलो कर सकते हैं क्योंकि जो आपके जॉइंट्स हो गए हैं उन्हें फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपकी जॉइंट्स में पेन हो सकता है क्योंकि जो उसे सपोर्ट करने के लिए आपको ओमेगा 3 लेना है, आपको आलमंड्स लेने हैं, एवोकाडो लेना है, पीनट्स हैं, पीनट बटर है, इसे आप कंज्यूम करें, ऑलिव ऑयल को आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है, ये हेल्दी फैट्स हैं, इसे आप कंज्यूम करना है क्योंकि आप लो फैट डाइट अगर फॉलो करें तो आप उसे लिमिटेड अमाउंट तक, लिमिटेड डेज तक ही फॉलो कर सकते हैं। दूसरी डाइट में बात करूँगा वो है हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अब ये डाइट जो होती है ज़्यादातर फिजिक एथलीट और बॉडी बिल्डर्स फॉलो करते हैं जब वो कॉन्टेस्ट प्रेप करते हैं। अब इसमें भी अगर आप वर्कआउट करते हैं, आप ट्रेनिंग करते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो आपको हर 1-1.5-2 महीने के अंदर आपको वेट गेन करके वेट लॉस करना जरूरी है। अगर आप अच्छा दिखना चाहते हैं, अपनी फिजिक को अच्छा रखना चाहते हैं तो आप हाई प्रोटीन इंटेक आप ना बढ़ा दें, कार्बोहाइड्रेट को रिस्ट्रिक्ट कर दें। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कार्ब साइक्लिंग है उसके लिए बेस्ट है, इसके लिए मैं एक अलग से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो इस डाइट में आपको ऐसा रखना है कि कार्बोहाइड्रेट आप मॉर्निंग में कंज्यूम करें, आप इवनिंग में कंज्यूम करें और आपको वर्कआउट से कंज्यूम करें, पहले कंज्यूम करें और उसके बाद रात में आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें। आप तब ग्रीन वेजिटेबल्स लें तब आपका फैट बर्निंग प्रोसेस वो चलता रहेगा, लेकिन बहुत एक्सट्रीम डाइटिंग पे मत जाओ। लेकिन फिर भी आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में रखो। और अगर आप सिर्फ अपनी फिजिक को अच्छा से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, आप अपना अच्छा वेट मेंटेन करना चाहते हो तो आप इस डाइट को फॉलो कर सकते हो। लेकिन इसको भी 1-1.5-2 महीने तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत लंबे समय तक इसे फॉलो मत करिए। और तीसरी डाइट है कीटोजेनिक डाइट। अब कीटोजेनिक डाइट का के ऊपर बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी सर्चेस हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अब इस डाइट में क्या रहता है कि फैट इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपकी डाइट में। अब आपकी जो कैलोरीज आ गई हैं और आपका जो ब्रेन आपको जितनी भी कैलोरीज अपनी बॉडी में से ले रहा है वो ले रहा है फैट से, आपकी डाइट में फैट इंटेक आपको बढ़ा देना है, प्रोटीन मॉडरेट रखना है और कार्बोहाइड्रेट आपको बिलो 20 ग्राम तक ही रखना है। इस डाइट को भी आप बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर सकते, ज़्यादा 7 या 10 दिन तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। 90% कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल है और आप अगर डेली वर्क करते हैं, 6-8 आवर्स की ड्यूटी करते हैं और आप अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, बिल्कुल ही जीरो कर दोगे तो आप इसे पॉसिबल नहीं है आप इसे फॉलो कर पाओगे। ये भी इसे भी फिजिक एथलीट और बॉडी बिल्डर ही फॉलो कर सकते हैं। आप इसे 7 दिन तक फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा 10 दिन तक फॉलो कर सकते हैं, इसे ज़्यादा फॉलो मत करिए। और वो चौथी डाइट है वो लो कैलोरी डाइट। इसमें क्या होता है कि आपको जो अपना आपका जो डाइट रिस्ट्रिक्शन है वो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब इस डाइट के तो नुकसान ही सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता नहीं आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है कि फैट जा रहा है कि प्रोटीन जा रहा है, बस आपने अपनी डाइट लो कर दी, मतलब आपने अपना खाना पीना लो कर दिया, तो इससे आपकी बॉडी में नुकसान बहुत होगी क्योंकि आप इसे बिल्कुल फॉलो मत करिए, इससे आप कमजोर हो सकते हैं, इससे आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं।
क्योंकि आपकी बॉडी में आपको पता ही नहीं कि आपने माइक्रो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने जा रहे हैं आपको पता ही नहीं। बस आपको दुबला होना है, आपको वेट लॉस करना है, आपने अपनी कैलोरीज को बिल्कुल ही कम ही कर दिया है बिल्कुल ही। और मैं बताना चाहूँगा कि मेल्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो 1500 कैलोरी होती है डेली की, और वुमेन्स की होती है वो होती है 1200 कैलोरीज रोज की। तो ध्यान रखिए वेरी लो कैलोरी डाइट को आप बिल्कुल फॉलो मत करिए, इससे आपको माल न्यूट्रिशन हो सकता है, एक तरह की फास्टिंग ही हो गई है, इसे डाइटिंग नहीं बोल सकते, वैसे एक तरह की फास्टिंग ही हो गई है। अब हम बात करेंगे फास्टिंग की। फास्टिंग क्या होती है? फास्टिंग का मतलब होता है कि आप लॉन्गर इंटरवल्स तक बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खा रहे, मतलब इसमें आपका 12 घंटे हो गया, 12 घंटे तक आपने कोई भी मील कंज्यूम नहीं करी, उसके बाद आपने मील कंज्यूम करी, या 24 घंटे तक आपने फास्टिंग रखी, वो फास्टिंग हो गई। अब मैं बताऊंगा आपको कि एक्सट्रीम फास्टिंग से आपकी बॉडी को क्या नुकसान हो सकता है। इससे आपको माल न्यूट्रिशन हो सकता है, जैसे मैंने डाइटिंग में भी बताया था, इसमें भी आपको माल न्यूट्रिशन हो सकता है कि आप लंबे समय तक फास्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, तो आपको माल न्यूट्रिशन हो सकता है। और अगर आप फास्टिंग भी अगर आप अच्छे से प्लान करके फास्टिंग नहीं कर रहे तो उससे भी आपकी बॉडी को नुकसान होता है, आपकी बॉडी में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो जाते हैं होते हैं बाहर हो जाते हैं, और आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड ग्लूकोज है, जो मसल्स में स्टोर्ड प्रोटीन्स हैं, वो ऑलरेडी आपकी ब्रेन यूज़ करने लग जाता है एज एनर्जी फॉर्म। और आपकी जो एक्टिविटी आप कर रहे हो उस समय, आपकी अगर फास्टिंग है और आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो उस दौरान, क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें स्टोर्ड है वो एनर्जी में रिलीज होना शुरू हो जाती है। इसके आपकी इसलिए आपकी शरीर में जो अनवांटेड वेट लॉस हो सकता है, इसलिए आप एक्सट्रीम फास्टिंग को अवॉइड करें, आप उसे टाइमिंग से प्लान करके करिए फास्टिंग, से ज़्यादा अच्छा रहेगा। पानी वाटर बहुत असेंशियल है, आप डाइटिंग और फास्टिंग के दौरान पानी आपको ज़्यादा कंज्यूम करना है। जितना पानी आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी यूरिन के थ्रू ज़्यादा फ्लश करेगी, और आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो स्टोर्ड वेट है, जो स्टोर्ड वाटर है, वो भी रिलीज होना शुरू हो जाएगा यूरिनेशन के थ्रू, वो भी रिलीज हो जाएगा। इसलिए डेली इनटेक जो आपको वाटर की रखनी है वो हाई रखनी है। आपको लगेगा कि बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, लेकिन वो आपके लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि यूरिनेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपको वेट कम करना है डाइटिंग से फास्टिंग से, तो आपको वाटर इनटेक जो रखना है वो आपको 6 to 7 liters पर डे आपको वाटर को ड्रिंक करना रोज़, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। डाइटिंग जैसे मैंने बताया था कि इसमें आपको जो अपना जो कैलोरी इंटेक रखना है वो 2 to 3 hours के बीच में रखना है, जैसे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में आप रखते हो तो वही सही तरीका होगा। 2 to 3 hours के बीच में आप मील्स कंज्यूम करें, अगर आप रात में 10 बजे सोते तो उस दौरान ही आपकी 2 to 3 meals आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे। और आपका अगर गोल वेट लॉस है तो कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, प्रॉपर बैलेंस फॉर्म में बैलेंस डाइट को लीजिए, हाई प्रोटीन मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपको वो कार्ब साइक्लिंग के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में अगर इसको डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए डाइटिंग और फास्टिंग क्या होती है और इससे फायदे नुकसान क्या है वो मैंने आपको बताए हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।